विघ्नहर्ता श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश। ये देवता अकेले आए हैं यहाँ? बालक उस दूत का रक्त से लथपथ शीश देखकर भयभीत हो गया। कहाँ है वो देवताओं का सेनापति? ये देवदूत गंधर्व राजकुमार हंसराज अब तक लौटे क्यों नहीं? ये तो कोई असुरी पक्षी प्रतीत होता है। हाँ, अट्टासुर है ये, तारकासुर का आसुरी पक्षी। किंतु ये यहाँ क्या कर रहा है? ओ, कहीं ये तारकासुर का दूत बनकर तो नहीं आया? इसने अपने मुख में क्या पकड़ रखा है? कुमार कार्तिकेय, क्या है इसमें? मुझे भय था वही हुआ। शांति नहीं, युद्ध ही चाहता है वो तारकासुर। अपने इस कुकृत्य से स्पष्ट कर दिया है उसने। ठीक है, अब युद्ध ही होगा। विजयी भव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। विजयी भव पुत्र। माँ, आपने मुझे अपना ज्ञान और शक्ति तो प्रदान कर दी, किंतु क्या पुत्र, क्या अभी भी तुम्हें अपूर्णता का आभास हो रहा है? क्या अभी भी तुम्हारी तैयारी में कुछ शेष है? हाँ माँ, ज्ञान और बल व्यक्ति को समर्थ अवश्य बनाते हैं, किंतु उनके उपयुक्त प्रयोग के लिए पर्याप्त अनुभव भी तो अनिवार्य है ना? वो अनुभव कहाँ है मेरे पास? तुमने सर्वथा उचित कहा पुत्र। अनुभव तो समय के साथ ही प्राप्त होता है, किंतु तुम चिंता मत करो, मेरा अनुभव सदैव तुम्हारा सहायक बनेगा। युद्ध के समय जब भी तुम्हें अनुभव से प्रेरणा लेने की आवश्यकता हो, तुम निसंकोच मेरा स्मरण करना पुत्र। मैं तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत होकर तुम्हें उचित सीख प्रदान करूंगी। पुत्र, देव सेनापति हो तुम, देवताओं की रक्षा अब दायित्व है तुम्हारा।
जाओ, जाओ अपना दायित्व निभाओ। योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयो अग्निनन्दनः स्कन्दः कुमारः सेनानिः स्वामी शंकर संभव। सेना हमारी नगरी का घेराव कर चुकी है। आपने सर्वथा अनुचित कार्य कर दिया महाराज। उन्होंने संधि प्रस्ताव भेजा था और आपने उन्हें उनके दूत का रक्त रंजित शीश भेज दिया। अनुचित मेरा कार्य नहीं, तुम्हारी सोच है अट्टासुर। जो किया सर्वथा उचित किया मैंने। महानतम त्रिलोक अधिपति तारकासुर हूं मैं, तारकासुर हूं मैं, तारकासुर हूं मैं। युद्ध की अग्नि को और भड़काया है क्योंकि अब देवता वहां आ रहे हैं जहां मैं उन्हें बुलाना चाहता था। मेरे माया विजा शाणिकपुर में आओ, तनिक देखें तो कैसी दिखती है ये देव सेना। ये देवता अकेले आए हैं यहाँ बिना सेना नायक के? देखा कैसे सफल हुई मेरी रणनीति। वो बालक उस दूत का रक्त से लथपथ शीश देखकर भयभीत हो गया। कहाँ है वो महान महादेव पुत्र कुमार कार्तिकेय? कहाँ है वो देवताओं का सेनापति? कहाँ है?
आप पूछ रहे थे ना कि कहाँ है देव सेनापति कार्तिकेय। लीजिए, उनका आगमन हो गया है, जिनका जन्म ही आपका वध करने हेतु हुआ है। वो आ गया है महाराज, वो आ गया है। समय आ गया है जब नष्ट होगी अन्याय की सत्ता। समय आ गया है जब अंत होगा तारकासुर का। समय आ गया है जब न्याय और धर्म की विजय होगी। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। मयूर जी, ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे जैसे कुछ भूल रहा हूं मैं, कुछ ऐसा जो जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाराज, देव सेनापति कार्तिकेय का आगमन हो रहा है और वो अपने साथ एक भयंकर बावंडर भी लेकर आ रहे हैं, और इस बावंडर में आपका शोणितपुर अवश्य नष्ट हो जाएगा महाराज, अवश्य नष्ट हो जाएगा। महाराज, महाराज, अभी भी समय है, अभी भी संधि कर लीजिए आप, इस विनाशकारी बावंडर को रोक दीजिए महाराज। यदि आपने कुमार कार्तिकेय को नहीं रोका तो सर्वनाश, सर्वनाश हो जाएगा महाराज, सर्वनाश हो जाएगा। तुम सर्वथा उचित कह रहे हो दसर। प्रतीत होता है महाराज सुलह के लिए मान गए हैं। ये कैसी ऊर्जा है?
तारकासुर? रुको, लौट जाओ यहां से। क्यों व्यर्थ युद्ध करना चाहते हो तुम? उससे किसी का क्या लाभ? तो क्या ये तारकासुर आप संधि करना चाहता है? अकारण नरसंहार होगा इस युद्ध में, अनावश्यक। हमें वार्ता करनी चाहिए, शांति स्थापित करनी चाहिए और टाल देना चाहिए इस युद्ध को। तारकासुर, हमने तो दूत भेजकर तुम्हारे पास शांति का प्रस्ताव भेजा था, किंतु तुमने बड़ी क्रूरता से उसका वध कर उसका शीश हमें लौटाकर युद्ध के अतिरिक्त कोई और मार्ग छोड़ा था। तो अब तुम्हारे शांति प्रस्ताव का क्या अर्थ है? उत्तर दो तारकासुर। प्रतीत होता है तुम देश सेना को देखकर भयभीत हो गए। जहां पर मैं स्थित हूं वहां से तो यही दिखाई दे रहा है कि तुम सभी तुच्छ देवता मेरे शोणितपुर में हो। त्रिलोक के स्वामी की राजधानी शोणितपुर में मुझसे निम्न स्थान पर हो तुम सभी और मुझे सम्मान देने के लिए विवश हो, किंतु फिर भी मुझसे इतने बड़े बोल बोल रहे हो कि मैं तारकासुर भयभीत हो गया। लौट जा, बहुत उदार हूं मैं, तुम्हें क्षमा कर दूंगा। जाओ स्वर्ग जाओ और मेरी अधीनता में शांति पूर्वक वहां रहो, क्योंकि तारकासुर क्या करने में समर्थ है ये तो देख ही चुके हो तुम। इसलिए मेरे क्रोध को जागृत मत करो, क्योंकि एक बार मेरा क्रोध यदि मेरे नियंत्रण के बाहर गया, एक बार मैंने अपना ये प्रस्ताव यदि लौटा दिया, तो एक एक करके तुम सभी के शीश तुम्हारे धड़ से विलग करूंगा मैं, समझे? क्यों अट्टा सर, कैसा लगा मेरा दूत तुम्हें? जिसने इन तुच्छ देवताओं को इनकी भावी पराजय का संदेश दिया। ये क्या, महाराज तो देवताओं का अपमान कर रहे हैं। तारकासुर के शक्ति का परिचय, तारकासुर स्वयं देता है। कहो, आनंद आया ना? मुझे तो आया, बहुत आनंद आया। इन भैरू देवताओं का अपमान करके, उन्हें नीचा दिखा के, ये बता के कि वो मेरे समक्ष तुच्छ और नगण्य है। गिद्धों का समूह कितना भी विशाल क्यों ना हो, सिंह से कभी युद्ध नहीं कर सकता। इसलिए युद्ध हुआ तो तुम में से किसी को भी शेष रहने का अवसर नहीं दूंगा। जाओ, अब जाओ यहां से। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव।
क्या कर दिया मैंने? कुमार कार्तिकेय ये समझ चुके थे कि देव सेनापति होने के नाते उनसे एक बहुत भारी भूल हो चुकी थी। भूल? कैसे भूल ब्राह्मण देवता? युद्ध अंतिम विकल्प है, पर शत्रु के झूठे हुंकार से विचलित नहीं होना चाहिए।